हेलो फ्रेंड्स, क्लासिक रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कैप्सिकम, 2 अनियन और 2 टमाटर का प्रयोग किया है। अब हम कैप्सिकम, अनियन और टमाटोज को क्यूब के पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, ये कैप्सिकम मैंने यहाँ पर काट कर दिखा रही हूँ। अब हम अनियन काटेंगे। देखिए, इसका जो अनियन का बल्ब होता है उसको निकाल लीजिए और उसे 2 पीसेस में काट लीजिए। ये हमने यहाँ पर अनियन और कैप्सिकम को काट लिया है। साथ में ही हम जो टमाटर हैं उन्हें भी हम क्यूब के पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, ये हमारे अनियन और कैप्सिकम कट चुके हैं। अब हम टमाटर का अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम हटा देंगे और टमाटो को हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ये हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स को क्यूब के पीसेस में काट लिया है। अब हम पनीर लेंगे और पनीर को हम स्क्वायर शेप में काट देंगे। आप चाहें तो ट्रायंगल के शेप में भी इसे काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर के क्यूब पीसेस काटे हैं। ये देखिए, हम सारे पनीर के पीसेस को ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी पनीर टिक्का की वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। टमाटो, अनियन, कैप्सिकम एंड पनीर। अब यहाँ पर मैंने आधा कप हंग कर्ड का इस्तेमाल किया है। हंग कर्ड यानी कि आपको दही को 1 घंटे के लिए छलनी में रख देना है ताकि उसका सारा पानी नीचे निकल जाए और आपको दही हंग कर्ड मिल जाए। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, जितना आपको नमक का टेस्ट सही लगे। आधा छोटा चम्मच चिली पाउडर, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच किचन किंग मसाले का भी इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डाली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नींबू डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। ऑलिव ऑयल से भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अपने पनीर के पीसेस डालेंगे। ये हमने यहाँ पर पनीर के पीसेस डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से मसाले में कोट कर देंगे। ये देखिए, इनके ऊपर हमें अच्छे से मसाले में पनीर के पीसेस को मिला देना है। ये देखिए, हमारे पनीर के पीसेस अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपनी कटी हुई शिमला मिर्च को डालेंगे और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। पनीर और शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें अनियन डालेंगे। अब अनियन को भी हम इसी मसाले में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर को भी अच्छे से मसाले में मिला देंगे।
हमारी पनीर टिक्का के सारी चीज़ें लगभग रेडी हो गई हैं, सब मसाले में कोट हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आप इसे अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स कर दीजिए। ये आप सब मिक्स, ये देखिए अच्छे से ये हमारा पनीर टिक्का का मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर एल्युमिनियम स्क्रोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इसके ऊपर नहीं है तो आप टूथपिक या मार्केट में लॉन्ग वाली वुडन स्टिक मिलती हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल और पनीर को अरेंज कर सकती हैं। ये देखिए ये एक स्टिक जो है मैंने रेडी कर ली है। आप दूसरी स्टिक में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले टमाटो लिया है, फिर मैंने कैप्सिकम ली है, फिर मैंने अनियन लगाया है, उसके बाद एक पनीर का पीस मैंने लिया है, फिर कैप्सिकम, अगेन अनियन, कैप्सिकम एंड पनीर। इसी तरह आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी स्टिक्स को रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए 2 स्टिक्स बना दी हैं और बाकी स्टिक्स मैं बना रही हूँ। हमारी थर्ड स्टिक भी बनकर रेडी हो गई है और ये मेरी फोर्थ स्टिक है, इसमें मैंने कैप्सिकम लगाया है, उसके बाद अनियन, फिर मैंने पनीर का पीस लगाया है, इसमें लगाने जा रही हूँ पनीर का पीस, और उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम, तेल से ये हमारा पनीर टिक्का बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए गरम तवा है, अब इसके ऊपर हम सारी स्टिक्स को एक एक कर रख देंगे। ये देखिए मैंने सारी स्टिक्स को यहाँ पर अरेंज कर रख दिया है और आपको इन्हें मीडियम आंच पर पकाना है। ये देखिए 5 मिनट के बाद इनका कलर थोड़ा ब्राउन होने लगा है और थोड़े से सिकना शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें बारी बारी से पलट देंगे। सारी स्टिक्स को हम बारी बारी से पलट देंगे ताकि पनीर टिक्का चारों तरफ से अच्छे से सिक कर रेडी हो जाए और चारों तरफ से ब्राउन हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का कलर इनके ऊपर आना शुरू हो गया है। आँच पर इन्हें पका रही हूँ और 1 चम्मच तेल में ही आपका पनीर टिक्का बनकर रेडी हो गया। अब इसे देखिए 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, हमने इन्हें ऊपर नीचे चारों तरफ से पलट दिया था। अब देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम अपने पनीर टिक्का को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और चारों तरफ से अच्छे से
हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिए या आप स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा बहुत ही यम्मी टेस्टी डिली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।